नमस्कार। इस वक्त हम हैं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में और आज गेहूं की जो आवक है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में मुख्य रूप से दो तरह की फसलों की आवक होती है, एक सोयाबीन और एक गेहूं। लेकिन अब की बार जो गेहूं है वो लगातार बढ़ रहा है, चूंकि गेहूं अब धीरे धीरे बाजार में आने लगेगा और यही कारण है कि अलग अलग इंदौर के आसपास के जो गांव है वहां से गेहूं की आवक लगातार बढ़ रही है और मंडी में अब गेहूं धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ गेहूं के बड़े व्यापारी हैं रामलाल जी, उनके पास सीधे चलते हैं और अब की बार गेहूं की क्या स्थिति है, साथ ही साथ आज के क्या कुछ दाम रहे हैं, ये हम रामलाल जी से जानेंगे। बहुत स्वागत है रामलाल जी आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या कुछ दाम आज रहे गेहूं? गेहूँ भैया देखो 2300 से लेकर 2700 तक बिक्री आए। जो धुंधल का गेहूँ हो गया, धुंधल खा गई वो 2324 और अच्छा ना गेहूँ 2500 से लेकर 2727-2728 तक, और 12-13 हज़ार बोरी की आज आवक थी मंडी में। कल थी 14 हज़ार बोरी की, आज थी 12-13 हज़ार बोरी की। दिन बे दिन आवक बढ़ती जाएगी और ये आगे जाके बहुत तेज हो जाएगा। गेहूँ 3400-3500 रुपये गेहूँ बिकना चाहिए मेरे हिसाब से। राखी बात क्या लगातार बता रहे हैं रामलाल जी की आवक बढ़ रही है और इसके साथ साथ दाम भी जो है बढ़ रहे हैं। रामलाल जी, एक स्थिति अभी देखने मिल रही है कि कल मोहन का सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, उसमें उन्होंने कहा कि 125 रुपए का अतिरिक्त बोनस हम किसानों को देंगे, इसका कितना असर पड़ेगा बाजार पर? इसका बाजार में असर 2-3 रोज रहेगा। 3 दिन में उठावना हुआ कि खेल खत्म हो जाता है इसका, क्या तो 3 दिन इसका असर रहता है। 3 दिन बाद मुर्दा हो जाएगा बाजार, वापस मर जाएगा वहीं वहीं। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनकी उस घोषणा से, क्योंकि ये तो पहले से ही राजस्थान में कर दिया था, पूरे हिंदुस्तान में करना है इनको 2400-125 बोनस देना ही देना इनको। निश्चित तौर पे और लगातार अलग अलग राज्यों से अलग अलग देशों से गेहूं की आवक बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है ना, क्या स्थिति है उसमें? इसमें पूरी पाइपलाइन खाली गए साल के गेहूं में, इसलिए गेहूं में तकलीफ भी आएगी आगे साल की अपने को। कहाँ कहाँ से मांग आ रही है अभी तो सब चारों तरफ की मांग, गुजरात की फुल प्रेस, गुजरात वाले बेटे भूखे बंगाली, उनको पूना गेहूं चाहिए चाहे जितना दे। और अभी दूसरे इलाके भी चालू हो जाएंगे सब बाहर की प्रांत, तो माल की तकलीफ आएगी आगे जाके, बहुत तकलीफ आएगी। अधिकतर बार ये भी देखने मिला है कि हमारे पास गेहूं की स्थिति कमजोर हो जाती है तो हमको दूसरे देश से बुलाना पड़ता है, तो अब की बार मौसम का प्रभाव पड़ा, उत्पादन थोड़ा सा कम हुआ, तो क्या ये स्थिति बनेगी? बिल्कुल 5-6 क्विंटल बिका कम बैठ गया है हर साल से, तो ये आगे जाके राखी बात बहुत तकलीफ आएगी अपन लोगों को, क्योंकि निपत कम बैठ रही, धुंधल और ठंड खा गई गेहूं को। हाँ तो 5 क्विंटल बिका हर एक खेत में, 1 बीघा खेत में 5 क्विंटल बिका का फर्क पड़ गया। तो लगातार जो है वो उत्पादन का सीधे तौर पर फर्क पड़ेगा हमें, पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा, ये सब जनता पे आएगा, जनता पे फर्क आएगा। ये 3400-3500 रुपए गेहूँ राखी बात उधर बिकेगा। पिछले साल की तुलना करें इस साल से, तो इस साल क्या स्थिति बन रही है पिछले साल की? इस साल बाजार तेज रहेगा, बाजार इस साल शुरू से ही बाजार तेज चल रही है और तेज ही रहेगा। गए साल तो दबा हुआ बाजार था, 21-22 को होता है, 2400 से कम है नहीं कोई सा भी गेहूँ, तो बाजार तेज ही रहेगा आगे। अच्छा, पिछले साल का इस साल असर जो है वो? हाँ, 200-250 रुपए का फर्क चल रहा है गए साल से, 200-250 रुपए तेज चल रहा है इस साल। और यदि हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी क्वालिटी का मंडी में आता है? मंडी में क्यों आता है? लोकवान, पूना और श्रीराम और ये तेजस, चंदोसी। सबसे ज्यादा के कौन से गेहूं की आवक होती है? सबसे ज्यादा गेहूं की तेजस गेहूं की आवक होती है हम अपने लक्ष्मीनगर में। तेजस। और बाहर से जो डिमांड आती है वो किस गेहूं की आती है? वो ये लोकवान और पूना की, लोकवान और पूना की। अच्छा, तो इस कारण से जो है इनके भाव हमको तेज ही इनके भाव तेज ही रहेंगे, मद्दा नहीं होगा, मद्दा नहीं होगा। अच्छा, तो स्पष्ट तौर पर ये रामलाल जी थे जो कि गेहूं के व्यापारी हैं। सीधे तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से उत्पादन कम हुआ और लगातार जो मांग है वो बढ़ रही है, जिसके कारण जो गेहूं के दाम है वो अब आने वाले समय में लगातार बढ़ेंगे और जिसका सीधा असर आम जीवन पर भी जो है वो देखने मिल सकता है। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से।